अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, यानी कि जीत, और सर्जरी का मतलब वैसे तो मेडिकल ट्रीटमेंट्स है, जिसमें आप कोई इंजरीज होने पर, कोई डिजीज़ होने पर आप बॉडी पार्ट्स को कट करते हो, रिमूव करते हो कुछ जगह को, तो वो सर्जरी बोला जाता है। बट यहाँ पे जो मतलब है सर्जरी का, उस जगह से है जहाँ पे डॉक्टर विजिट करता है किसी पेशेंट को देखने के लिए। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब हो गया कि उस प्लेस की जीत, उस प्लेस की विक्ट्री, जहाँ पे एक छोटे से डॉग ट्रिक को ठीक किया जाता है। नीचे देखिए लिखा गया है, ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस मतलब मालकिन, रिच मतलब धनी। पैम्पर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा केयर करना, बहुत ज़्यादा किसी को प्यार करना। कई बार छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है तो वो बिगड़ जाते हैं। ओवर फीड का मतलब होता है ज़्यादा खिलाना, जैसे फीड का मतलब होता है खिलाना, तो ओवर फीड मतलब ज़्यादा खिलाना। फीड की सेकेंड फॉर्म फेड होती है, तो ओवर फीड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म ओवर फेड हो जाएगी। ट्रिकी एक छोटा डॉग जिसको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, बहुत ज़्यादा खाना खिलाया जाता है उसके रिच मिस्ट्रेस के द्वारा। ही फॉल्स सीरियसली इल, वो बहुत बुरे तरीके से बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरिनरी सर्जन, और जो उनकी मिस्ट्रेस है वो कंसल्ट करती हैं एक वेटरिनरी। वेटरिनरी मतलब होता है जो एनिमल्स को डॉक्टर्स देखते हैं उनको आप वेटरिनरी बोलते हो, तो उसी सर्जन से वो बात करती हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। डज द डॉग रिकवर, क्या वो डॉग रिकवर करता है, ये इस पूरी कहानी में जानेंगे। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो सप्लीमेंट्री वाली बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, उसका फर्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस जो चैप्टर का मीनिंग है आप ऐसे समझ सकते हो कि ये विक्ट्री है सर्जरी की, यानी कि उस जगह की या उस डॉक्टर की जिसने ट्रिकी को ठीक किया। ठीक है, तो कहानी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान शब्दों में लिखी गई है, बट स्ट्रक्चर आपको अच्छे मिलेंगे, वर्ड्स आपको अच्छे मिलेंगे, तो पूरी कहानी को एक बार रीड कीजिए। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी, मैं ट्रिकी को लेकर बहुत परेशान था। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस बार। आई हैड पुल्ड अप माई कार, पुल अप का मतलब होता है टू स्टॉप योर व्हीकल, तो आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस। मैंने अपनी गाड़ी रोक ली जब मैंने उसको देखा, सी की सेकेंड फॉर्म है सॉ, कहाँ पे देखा, स्ट्रीट में, किसके साथ देखा, उसके मालकिन के साथ देखा। एंड आई वॉज शॉक, और मैं बहुत शॉक था एट हिज अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस को देखकर, जिस तरह से वो दिख रहा था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, ब्लोटेड सॉसेज, ब्लोटेड मतलब होता है फूला हुआ, और सॉसेज आप कह सकते हो मीट को कई टुकड़ों में काट कर, है ना, और उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में कर दिया जाता है, कुछ इस तरीके का जो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है। तो वो बिल्कुल ह्यूजली फैट हो गया था, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, ब्लोटेड सॉसेज के जैसा हो गया था, विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, और वो जो सॉसेज था वो कुछ इस तरह का था कि जैसे कि उसके जो पैर हैं वो ईच कॉर्नर पे बस लगाए गए हैं, उसको सजा कर रखा गया हो। हिज आइज़, उसकी आंखें, ब्लड शॉट मतलब आँखों में लाल लाल रेखाएं बन जाती हैं, कई बार आप देखते हो कि जब आँखें खराब हो तो। रूमी, रूमी का मतलब होता है आँखों से पानी आना। स्टे अ स्ट्रेट, और वो बिल्कुल सीधी देख रही थी, तो जो उसकी आँखें थी, ब्लड शॉट, रूमी, आँखों से पानी आना मतलब पानी आ रहे थे उसकी आँखों में। स्टे मतलब होता है घूरना, एक तरह से एक टक देखना। स्ट्रेट अहेड, आगे सामने की ओर। एंड हिज टंग, और जो उसकी टंग थी, लॉल, लॉल का मतलब होता है बिल्कुल रिलैक्स वे में कहीं पे आराम करना, बैठे होना, तो जो उसका टंग था वो उसके जबड़ों से बाहर की तरफ निकला हुआ था, एकदम लटका हुआ था। अगर आप उसको समझना है तो आप ये देखिए, ये जो इमेज में आपको डॉग दिख रहा है, जिस तरह से ये मिस्टर हैरियट हैं, ये उनकी जो मिस्ट्रेस हैं मिस पम्फ्रे, जो आपको आगे अभी नाम पता चल जाएगा, और ये ट्रिकी है, आप देखिए किस तरह से ये जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिख रहा है, यही बोला जा रहा है कि वो ब्लॉटेड सॉसेज की तरह हो गया था, और ईच कॉर्नर पे उसके लेग आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे देखिए, मिसेस पम्फ्रे हैसेन टू एक्सप्लेन, मिसेस जो पम्फ्रे थी, यानी कि जो उनकी मालकिन थी, उनका नाम है मिसेस पम्फ्रे, उन्होंने जल्दीबाजी दिखाई, हैसेन मतलब होता है जल्दीबाजी दिखाना, टू एक्सप्लेन बताने के लिए, किसको, मिस्टर हैरियट को, जब उन्होंने अपनी गाड़ी को रोक लिया था और ट्रिकी की हालत देखी तो उनको समझ में आ गया था कि ट्रिकी की हालत सही नहीं है। ही वॉज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस मतलब विदाउट एनर्जी, देर इज़ नो एनर्जी, तो बहुत ही कमज़ोर हो गया था मिस्टर हैरियट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, और ऐसा प्रतीत हुआ कि इसके पास कोई एनर्जी नहीं है।
ही सीम टू हैव नो एनर्जी को अगर आप चेंज करोगे ना तो इसको लिखोगे इट सीम्ड दैट ही हैज नो एनर्जी, ठीक है, इट सीम्ड दैट ही हैड नो एनर्जी। तो इसको अगर आपको समझना हो तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर को तोड़ना पड़ेगा। तो ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी का मतलब ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, और मैंने सोचा, ये कौन बोल रहा है, ये ट्रिकी की मिस्ट्रेस बोल रही हैं, यानी कि मिस पम्फ्रे बोल रही हैं, मैंने सोचा कि ये निश्चित तौर पर सफ़र कर रहा होगा मेल न्यूट्रिशन से। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण का शिकार होना, एक ऐसी सिचुएशन होना जिसमें लैक ऑफ फूड की वजह से आप बहुत ज़्यादा जो है बीमार हो गए हो, कमज़ोर हो गए हो। सो आई हैव बीन गिविंग सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, और इसी वजह से मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे रही थी खाने के बीच में, मील्स के बीच में, टू बिल्ड हिम अप, इसको मजबूत करने के लिए। सम माल्ट, माल्ट का मतलब होता है एक तरह से आप कह सकते हो जौ, ए टाइप ऑफ ग्रेन। कॉड लीवर ऑयल, एक टाइप ऑफ फिश होती है कॉड, उसके लीवर से जो ऑयल निकाला जाता है वही बोला जाता है कॉड लीवर ऑयल। तो मैं उसको कुछ माल्ट दे रही थी, कॉड लीवर ऑयल दे रही थी, एंड ए बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, और हॉर्लिक्स का एक कटोरा दे रही थी। एट नाइट, रात में, टू मेक हिम स्लीप, उसको सुलाने के लिए। नथिंग मच रियली, और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, देखिए इतनी कुछ चीज़ें दे रही हैं और ये कह रही हैं बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और क्या आपने उन चीज़ों में कटौती की जैसा मैंने आपको कहा था। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको कहा था कि मीठी चीज़ें आपको ट्रिकी को नहीं देनी है। ओ आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़े टाइम के लिए किया था। बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, बट ट्रिकी इतना वीक प्रतीत हुआ मुझे, इतना वीक लगा कि मुझे रिलेंट होना पड़ा। आई हैड टू रिलेंट, रिलेंट का मतलब होता है नरम पड़ना, थोड़ा सा मतलब कमज़ोर पड़ना। अब मैं उसको इतना ज़्यादा स्ट्रिप नहीं कर सकती थी इसलिए मैं थोड़ी नरम हो गई। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो, और उसे क्या पसंद है, क्रीम केक्स पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं उसको इनकार करूँ, मैं इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं उसको ये सब चीज़ें न दूँ। आई कांट बियर, बियर का मतलब होता है टॉलरेट करना, तो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, उसको मना करना, रिफ्यूज़ मतलब मना करना, तो मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं उसको मना करूँ, मुझे उसको ये सब चीज़ें खिलानी ही पड़ी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैं फिर से उस छोटे डॉग की तरफ देखा, यानी कि ट्रिकी की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, और यही परेशानी थी। ट्रिकीज वनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, और ट्रिकी की एकमात्र जो गलती थी वो क्या थी, वो ग्रीड थी, यानी कि लालच था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, उसे कभी नहीं जाना गया था कि उसने फूड को इनकार किया हो, मतलब जब भी खाना आ जाता था ट्रिकी अपना रंग दिखा देता था। और ट्रिकी का रंग क्या था, उसका जो फॉल्ट क्या था, वो था ग्रीड, यानी कि लालच। जैसे ही खाना देगा, खाना देखा, वो उसको टैकल कर लेता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, अब वो चाहे रात हो चाहे दिन हो, किसी भी टाइम पे आप खाना दीजिए, ट्रिकी उसको हैंडल कर लेता था, मतलब मैनेज कर लेता, ठीक है, अलग अलग कंपार्टमेंट उसने अपने पेट में ही बना रखे थे। कितना भी भोजन दीजिए, बहुत सारे लोग होते हैं, आप उनको किसी भी टाइम खाना खिलाइए, वो खाना खाने को तैयार होंगे। एंड आई वंडर, और मैं बड़ा आश्चर्य किया, अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैड नॉट मैंशन, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं जानता था कि ये ट्रिकी के साथ ऐसा होता होगा, ट्रिकी को ये खिलाती होंगी, या ट्रिकी के साथ इस तरह की, ये अभी जो मैंने कहा था कि आप स्ट्रिक्ट डाइट रखिएगा या आप इसको स्वीट मत दीजिएगा, अभी बहुत सारी चीज़ें मिसेस पम्फ्रे ने बताया नहीं था। तो मैं बड़ा आश्चर्य किया कि मिसेस पम्फ्रे ने वो सारी चीज़ें मेंशन नहीं की। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इनको पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज दे रही हैं ट्रिकी को। वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत जो वॉक है वो मेरे साथ ये करता है, जैसा आप देख सकते हैं। बट हॉटकिन द गार्डनर, जो गार्डनर है उनका नाम हॉटकिन है, हैज़ बीन डाउन विथ लम्बेगो, लम्बेगो का मतलब होता है बैक पेन आपको हो रहा है, सफरिंग, सॉरी, जो लोअर बैक होता है वहाँ पे आपको अगर पेन हो रही है तो दैट इज कॉल्ड लम्बेगो, तो एक तरह से कमर में आप दर्द कह सकते हो, उससे वो परेशान है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, यानी कि हाल में, और जब भी इसको आप यूज करोगे ना लेटली को, तो वहाँ पे परफेक्ट टेंस ही यूज करोगे, ये बात ध्यान रखना। तो इसकी वजह से, क्योंकि हॉटकिन जो हमारे गार्डनर हैं वो कमर दर्द से परेशान है इस टाइम पे, इसलिए हाल में कोई भी रिंग थ्रोइंग वाला जो प्ले है वो नहीं हुआ है, और इसकी वजह से इसकी जो एक्सरसाइज है जो आप कह रहे हैं, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज की जो आप बात कर रहे हैं, वो नहीं हो पाई है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, मैंने प्रयास किया कि मैं थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूँ वो सीवियर है, मतलब वो बहुत ही आप कह सकते हो कि एक तरह से स्ट्रिक्ट है जो मैं बोल रहा हूँ, ये बात आसान नहीं है, ये बात इसको आप हल्के में मत लीजिए। नाउ आई रियली मीन दिस,
मेरे कहने का मतलब है आप समझिए, इफ़ यू डोंट कट हिज फुट राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज एज ही इज गोइंग टू बी रियली इल, यदि आप इसके खाने में कटौती नहीं करती हैं तुरंत अभी राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज और इसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं देती हैं, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, निश्चित तौर पर ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने वाला है, आप इस बात को ध्यान रखिए। यू मस्ट हार्डन योर हर्ट, आपको निश्चित तौर पर अपने हर्ट को मजबूत करना होगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और आपको इसे बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना होगा। तो कहानी आपको समझ में आने लगी होगी कि मिसेस पम्फ्रे हैं, उनका एक छोटा सा डॉग है ट्रिकी, और एक डॉक्टर है मिस्टर हैरियट, और अचानक से मिस्टर हैरियट रास्ते में देखते हैं ट्रिकी को और देखकर अपनी कार को जो है वो पुलअप कर लेते हैं, यानी कि रोक लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं, और वहाँ से वो मिसेस पम्फ्रे से बात करते हैं कि देखिए ये बड़ी समस्या है, ट्रिकी जो है वो लगातार और बीमार होता जा रहा है, मुझे देखने से ऐसा लग रहा है। और मिसेस पम्फ्रे जो है अलग अलग तरह की बातें करती हैं कि नहीं वो बीमार, मैं इसको खाने में जो उन्होंने डाइट बताई होती है वो नहीं फॉलो कर पा रही हूँ, बट अभी ठीक है, सब कुछ सही है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, रिंग की सेकेंड फॉर्म है रंग, रिंग योर हैंड्स का मतलब होता है अपने हाथों को मलना, कई बार आप कुछ बात करते टाइम अपने हाथों को मलते हुए बोलते हो कोई चीज़ या रगड़ते हुए, तो मिसेस पम्फ्रे ने अपने हाथों को रगड़ा, ओ आई विल, जो आप ये स्ट्रिक्ट डाइट की बात कर रहे हैं मैं करूँगी, श्योर मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, और मैं श्योर हूँ कि आप बिल्कुल सही हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बड़ा कठिन है, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही कठिन है। सी सेट ऑफ, वो निकल पड़ी हेड डाउन, सर नीचे हुए, अलॉन्ग द रोड, रास्ते पे, एज इफ़ मानो कि डिटरमाइन हो, पूरी तरह से वो निश्चिंत हो, टू पुट द न्यू रिजिम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, कि वो जो नए नियम कानून मैंने बताया ना कि इसके फूड को तुरंत कटौती कीजिए इसके खाने पीने में, नहीं तो बहुत जल्दी बहुत बीमार पड़ने वाला हो, तो ये जो नियम कानून मैंने बताए थे, ऐसा लग रहा था मानो एज इफ डिटरमाइंड एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ कि टू पुट द न्यू रिजाइम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, कि बहुत जल्द तुरंत ही, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही इन सब बातों को प्रैक्टिस में ला देंगी और जाते ही आज ही उसके खाने में कटौती करने लगेंगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, मैंने उनके प्रोग्रेस को देखा, मतलब मैंने उनको जाते हुए देखा, विथ ग्रोइंग कंसर्न, ग्रोइंग कंसर्न का मतलब हो गया बढ़ती हुई चिंता के साथ, ठीक है, तो मैंने उनको जाते हुए देखा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, टॉटर का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना, अनस्टडी वे में चलना, अलॉन्ग इन इज लिटिल ट्वेट कोट, और ट्वेट कोट जैसा ऊपर आपने देखा जो वो वुलन कोट था उसी को ट्वेट कोट बोला जा रहा है, तो ट्रिकी जो था वो अपने उस वुलन कोट में लड़खड़ाते हुए जा रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और उसके पास पूरी अलमारी भरी थी इन कोट से, आप समझ सकते हैं कि कितना पैम्पर किया जाता होगा ट्रिकी को, फॉर द कोल्ड वेदर, ठंड के मौसम के लिए, और रेनकोट, एक रेनकोट था फॉर द वेट डेज, बारिश वाले दिनों के लिए। ही स्ट्रगल ऑन, और वो संघर्ष कर रहा था जब वो जा रहा था, तो ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, हार्नेस का मतलब होता है जैसे घोड़े को आप देखते होंगे, जब घोड़ा होता है उसको पूरी तरह से लेदर और स्ट्रिप्स जो पहनाई जाती हैं मेटल वेटल वाली, तो वो पूरे साथ सज्जे का सामान होता है ना, स्ट्रैप जो होते हैं मेटल के होते हैं या कई बार लेदर के होते हैं, उसी तरह डॉग को भी पूरा पहना दिया जाता है, तो वो जो साज सज्जे का सामान था उसमें लटका हुआ, ड्रूप का मतलब होता है टू बेंड, है ना, लटका हुआ, तो वो बड़ा स्ट्रगल कर रहा था जाते टाइम, उन सब चीज़ों में बंधा हुआ था। तो आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस पम्फ्रे, और मैंने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि मुझे जो है मिसेस पम्फ्रे से कोई कॉल आ जाए, आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे कि कोई दिक्कत हो गई है आप आ जाइए, इस तरह का। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जो एक्सपेक्टेड कॉल थी मतलब जिसकी मुझे उम्मीद थी वो कुछ ही हफ्ते में आ गई। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, और जो मिसेस पम्फ्रे थी सी वॉज डिस्ट्रॉट, देखिए डिस्ट्रॉट का मतलब होता है वेन यू आर वेरी सैड, बहुत अपसेट हो, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर क्लियर नहीं हो, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रॉट होना। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी ने कुछ नहीं खाया था, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, और यहाँ तक कि जो उसकी फेवरेट डिशेज थी उसको भी मना कर दिया। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, ध्यान रखिएगा बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर होता है, बिसाइड मतलब ही सैट बिसाइड मी, तो वो मेरे बगल में बैठ गया, है ना, बिसाइड्स मतलब इन सब चीज़ों के अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, बाउट का मतलब होता है जैसे मान लो आपको बुखार आ रहा है बार बार, तो आप बोलोगे बाउट ऑफ फ्लू, बाउट ऑफ फ्लू का मतलब हो गया थोड़े टाइम के लिए, ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको ये बीमारी चल रही है, तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर उसको वोमिटिंग हो रही है तो आप बोलोगे ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग,
पेंटिंग, पेंटिंग मतलब हाँपते हुए, उसने अपना पूरा समय बिता दिया, ही स्पेंट, वो बिता दिया उसने अपना पूरा समय लाइन पड़े हुए ऑन ए रग। रग क्या होता है? कंबल जैसा होता है, नीचे फ्लो पे बिछाया जाता है, फर्श पे, है ना, तो उस पर वो बैठा रहा और अपना पूरा समय उसने बिता दिया हाँफते हुए। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, बिल्कुल नहीं जाना चाहता था वॉक के लिए। डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और कुछ अब करना नहीं चाहता था, इतना खा खा के मोटा हो चुका था वो कि उसके मान का था ही नहीं कि वो मूव कर पाए। और ये मिसेस पम्फ्रे को नहीं पता चल पाया था, वो अपने प्यार में उसके और बहुत ज़्यादा उसको केयर के चक्कर में इतना कुछ हो गया था। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, और मैंने अपने प्लान को एडवांस में ही क्लियर कर लिया था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, यही वो तरीका था, एकमात्र तरीका था ट्रिकी को घर से बाहर निकालने के लिए, एक पीरियड के लिए, एक पीरियड मतलब एक टाइम के लिए। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज। अब देखो यहाँ पे सजेस्टेड लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे शुड छिपा हुआ है। मैंने सुझाव दिया दैट ही शुड बी हॉस्पिटलाइज, कि उसको हॉस्पिटलाइज किया जाना चाहिए फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, कम से कम फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब अ पीरियड ऑफ टू वीक्स, कम से कम दो हफ्तों के लिए, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि उसको ऑब्जर्वेशन के अंडर में रखा जा सके, मतलब उसको ऑब्जर्व किया जा सके। द पुअर लेडी, जो बेचारी मिसेस पम्फ्रे थी, ऑलमोस्ट सून, वो लगभग बेहोश हो गई। सी वॉज श्योर, और वो बिल्कुल श्योर थी, ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, कि ये जो ट्रिकी है ना वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। पाइन एंड डाई, डाई मतलब मरना, और पाइन का मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा करना, कोई चीज़ आपके पास से चली गई हो तो। ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर ये मुझे हर दिन नहीं देखेगा तो। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने भी एकदम डिसीजन ले लिया था, एक फर्म डिसीजन लिया था। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द वनली वे टू सेव हिम, और यही एकमात्र तरीका था ट्रिकी को सही करने का। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट, मैंने सोचा इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, कि इसको बिना देर किए ही यहाँ से अब ले जाया जाए, अब इसको बहुत ज़्यादा देर यहाँ पर रुकना सही नहीं है। एंड और फॉलोड बाई मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग, और जब मैं उसको लेकर जा रहा था तो उसके पीछे मिसेस पम्फ्रे क्या कर रही थी? रो रही थी। वेल का मतलब होता है रोना, बिलखना। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप इन अ ब्लैंकेट, मैं कार की तरफ गया, बढ़ा, मार्च आउट मतलब आगे की तरफ जाना। लिटिल डॉग यानी कि ट्रिकी को उठाए हुए, रैप जो कि रैप था, ढका हुआ था, इन अ ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट में। द इंटायर स्टाफ वॉज राउज, पूरे इंटायर स्टाफ को जगा दिया गया था, काम पर लगा दिया गया था। मेट्स रश इन एंड आउट, और जो मेट्स थी, जो काम करने वाली थी, वो अंदर बाहर हो रही थी। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, बास्केटबॉल, लंच बॉल, सपर बॉल, तो इतनी सारी चीज़ें ट्रिकी के लिए, मतलब इतना तो किसी इंसान के लिए नहीं होगा जल्दी जितना ट्रिकी के लिए किया जा रहा है मिसेस पम्फ्रे के द्वारा। तो ये शो करता है कि मिसेस पम्फ्रे कितना ज़्यादा ट्रिकी से प्यार करती थी और कितना ज़्यादा उनका अफेक्शन और लगाव था ट्रिकी के साथ। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, ये रियलाइज करते हुए कि जो मेरी कार है वुड नेवर होल्ड, वो कभी नहीं ले पाएगी इन सभी चीज़ों को। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया गाड़ी को। एज आई मूव ऑफ, और जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मिसेस पम्फ्रे विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई, बिल्कुल जो निराशा वाली जो क्राई होती है, बिल्कुल रोते हुए, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, तो विंडो से उन्होंने क्या कर दिया, आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स। आर्मफुल का मतलब क्या हुआ, मतलब जो पूरे बाजुओं में भर रखे थे उन्होंने, जितने हाथ में उनके कोट्स आ रहे थे उतने उठाकर विंडो से होकर उन्होंने फेंक दिया। आई लुक इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, कि मैं कॉर्नर पे मुड़ता ड्राइव के दौरान। एवरीबडी वॉज इन टीयर, सभी लोग उस समय रो रहे थे। आउट ऑन द रोड, और जब मैं सड़क पे पहुंचा, आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, मैंने नज़र डाली उस बेचारे दैनी, पैथेटिक मतलब होता है बहुत ही दैनी, उस छोटे एनिमल के तरफ जो कि हाँफ रहा था ऑन द सीट बाय माई साइड, मेरे ही बगल में, मोटा हो जाने की वजह से वो गैस्प कर रहा था, जैसे पेंटिंग था उसी तरह गैस्प करना है, यानी कि जो सांस लेना होता है, ब्रेथ होना था, उसमें प्रॉब्लम होती है। आई पैटेड द हेड, मैंने हेड पे थपथपी लगाई। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, ट्रिकी ने बहुत बढ़िया प्रयास किया, ब्रेव एफर्ट किया कि अपनी पूंछ हिला सके, पुअर ओल्ड लैड, लेकिन वो नहीं कर पाया। तो अब मैं अपने मन से ही बोल रहा हूँ पुअर ओल्ड लैड, वैसे लैड आप लड़के के लिए यूज करते हो, बट यहाँ पे आप इस ट्रिकी के लिए यूज कर रहे हो, पुअर ओल्ड लैड, बेचारे ओल्ड एनिमल। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव नॉट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू,
तुम्हारे अंदर तो किक भी नहीं है, यू हैव नॉट अ किक इन यू, मतलब एक मूवमेंट भी नहीं है तुम्हारे अंदर, लेकिन मैं जानता हूँ, आई नो, मैं सोचता हूँ कि आई नो, मैं जानता हूँ अ क्योर फॉर यू, तुम्हारे लिए उपचार, जो उपचार तुम्हें चाहिए वो मैं जानता हूँ। अब उस जगह पर हम पहुँच गए थे, यानी कि सर्जरी पे। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स, जो घर में और भी डॉग्स थे, सर्ज राउंड मी, वो एकदम से मेरी तरफ, सर्ज का मतलब बहुत तेज़ी से आना, सर्ज राउंड मी, ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आइज, और ट्रिकी जो मेरी गोद में था उसने उस पैक, देखिए डॉग्स के ग्रुप को पैक बोला जाता है, पैक ऑफ डॉग्स, जब भी आपसे कलेक्टिव नाउन पूछा जाएगा तो आपसे कहा जाएगा कि डॉग्स के ग्रुप को बताइए क्या बोलते, तो पैक ऑफ डॉग्स आप बता सकते हो। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक, उन शोरगुल वाले जो पैक था, यानी कि जो ग्रुप था, जो डॉग्स थे, उनकी तरफ ट्रिकी ने नीचे देखा अपनी डल आंखों से, एंड व्हेन पुट डाउन, और जब उसे नीचे रखा गया, ले मोशनलेस, बिल्कुल मोशनलेस वो पड़ गया ऑन द कार्पेट, जैसे वहाँ रग पे लेट जाता था वैसे ही कार्पेट पे यहाँ पे लेट गया। द अदर डॉग्स, और जो अन्य डॉग्स थे, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड के लिए उसके आस पार उन्होंने उसे सूंघा, स्निफ किया, डिसाइडेड, निश्चय किया, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम, उन्होंने निश्चय किया कि ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। I made up a bed for him in the warm loose box next to the one where the other dog slept. मैंने उसके लिए बेड तैयार किया, I made up a bed for him, ट्रिकी के लिए, in a warm loose box, एक warm, गर्म, loose यानी कि ढीला box में, next to the one, बिल्कुल ठीक एक के बगल में, where the other dogs slept, जहाँ पे अन्य जो dogs थे वो सोते थे। For 2 days I kept an eye on him, मैंने उस पर निगाह रखी, giving him no food but plenty of water, बिल्कुल उसको मैंने खाना नहीं दिया, केवल प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी ऑफ वाटर का मतलब पर्याप्त उसे पानी दिया मैंने। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत तक, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, उसने इस इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया, ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया टू शो, दिखाना सम इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, अपने आसपास में। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर, विम्पर का मतलब होता है एक तरह से जब लो साउंड में डॉग्स जो है वो साउंड क्रिएट करते हैं लो वॉइस में, तो दैट इज कॉल्ड विम्पर करना, एक तरह से किकियाना जिसको आप बोलते हो। तो ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने डॉग्स को यार्ड में देखा, ट्रिकी ने। तो 2 दिन तक मैंने उसको कुछ नहीं दिया, मैंने उस पर नजर रखी और केवल प्लेंटी ऑफ वाटर दिया। दूसरे दिन के अंत तक उसने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया अपने सराउंडिंग्स में, आसपास में। एंड ऑन द थर्ड, तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर, वो विम्पर करने लगा व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ बाई जो द ग्रे हाउंड, जब मैंने दरवाजा खोला तो ट्रिकी जो था वो तुरंत बाहर आया, ट्रॉटेड आउट का मतलब होता है थोड़ा तेजी से बाहर आया, एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ बाई जो, वैसे तो इनगल्फ का मतलब होता है निगल लेना, बट यहाँ पे मतलब है जो ने उसको पूरी तरह से पकड़ लिया। जो कौन है, द ग्रे हाउंड, ग्रे हाउंड इज अ टाइप ऑफ डॉग, ठीक है, एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों के तरफ। तो जो जो कि एक ग्रे हाउंड था और उसके दोस्तों ने ट्रिकी को एकदम से पकड़ लिया, इनगल्फ कर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, और उसे लुढ़काने के बाद, एंड थोरली इंस्पेक्टिंग, और पूरी तरह से उसको इंस्पेक्ट करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, जो डॉग्स थे वो गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी ने उनको क्या किया, फॉलो किया। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फ्लैट, सरप्लस का मतलब होता है एक्सेसिव, और वो लुढ़कते हुए, ट्रिकी भी जो था वो लुढ़कते हुए अपने एक्सेसिव फैट के साथ आगे चला गया। लेटर दैट डे, और उसी दिन बाद में, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं जो खाना खिलाने वाला टाइम था वहाँ प्रेजेंट था। आई वॉच, मैंने देखा, वाइल, मैंने वॉच किया उस टाइम पे, वाइल ट्रिस्टन स्लोप द फूड इन टू द बॉल्स, जो ट्रिस्टन था यानी कि जो खाना खिलाने वाला था वो खाना जो है बाउल में उड़ेल रहा था। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाई द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, वहाँ पे गजब की रश थी, मतलब एक तेजी थी, हेडलॉन्ग रश का मतलब बहुत ही ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा तेजी थी, उसके साथ ही साथ हाई स्पीड ईटिंग वाला साउंड था वहाँ पे, उसके जो ये रश था उसको फॉलो किया जा रहा था हाई स्पीड ईटिंग वाले साउंड के साथ, मतलब डॉग्स जो थे वो बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे और बहुत तेजी भी दिखा रहे थे अपने खाने को खाने में। एवरी डॉग न्यू, क्योंकि हर डॉग जानता था, दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, कि वो अन्य से अगर पीछे रह जाता है, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, कि अगर वो थोड़ा पीछे रह जाता है तो फिर उसको कंपटीशन में भाग लेना पड़ेगा, उसको कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा
अपने मील के जो आखिरी पार्ट है उसके लिए, क्योंकि जिसका भी खाना खत्म हो जाएगा वो दूसरे के बॉल में आ जाएगा। ठीक है, चलो। When they had finished, और जब वे अपना खाना समाप्त कर चुके होते थे, ट्रिकी took a walk round the shining balls। ट्रिकी जो था वो चमकते हुए जो कटोरे होते थे वहाँ पर वो चक्कर लगाता था। Licking casually inside one or two of them, और उनमें से कई बार एक या दो में वो क्या करता था, अपने टंग को मूव करता था उन बॉल में। Next day, अगले दिन, an extra ball was put out for him। एक एक्स्ट्रा जो बॉल था वो वहाँ पे रख दिया गया उसके लिए। I was pleased, और मैं बहुत खुश था, to see him jostling। जॉसल का मतलब होता है धक्का मुक्की करना, तो मैं बहुत खुश था उसको देखते हुए कि वो धक्का मुक्की कर रहा था his way towards it, अपना रास्ता बनाने के लिए उस तरफ, कि वो उस वहाँ जाना चाहता था, उस बॉल पे जाना चाहता था। अब मिस्टर हैरियट ने क्या किया था, थोड़ा सा ट्रिकी के अंदर इम्प्रूवमेंट देखना शुरू कर दिया था। फ्रॉम देन ऑन, और वहाँ से, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी प्रोग्रेस जो थी वो बहुत तेज थी। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, किसी तरह का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, लेकिन पूरे दिन वो डॉग्स के साथ क्या करता था, दौड़ता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, और वो उनका जो फ्रेंडली स्क्रीमेजेस होता था, यानी कि जो खींचातनी होती थी, थोड़ी लड़ाई होती थी, उसमें वो ज्वाइन कर लेता था। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बॉल ओवर, और उसने खुशी पाली थी किस चीज़ में, लुढ़काए जाने में, कि उसको लुढ़काया जा रहा है, बॉल ओवर किया जा रहा है, ट्रैम्प किया जा रहा है। ट्रैम्प ऑन का मतलब कुचल दिया जा रहा है, या स्क्वैश, एवरी फ्यू मिनट्स, हर फ्यू मिनट्स पे उसको स्क्वैश किया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेम्बर ऑफ द गैंग, और अब वो एक एक्सेप्टेड मेम्बर, उसको स्वीकृत कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था, तो एक स्वीकृत सदस्य बन गया था उस गैंग का। एन अनलाइकली, अनलाइकली का मतलब जिसकी संभावना नहीं थी, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट एमंग द शैगी क्रू, सिल्की, अब ट्रिकी के जो बाल थे वो सिल्की थे, उसको इतना ज़्यादा पैम्पर किया जाता था, इतना ज़्यादा केयर किया जाता था, तो उसके बाल वो थोड़े सिल्की थी, वो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था, और किन के बीच, शैगी क्रू, और जो मिस्टर हैरियट के पास डॉग्स थे उनके जो बाल थे, उन डॉग्स के ऊपर जो फर थे वो बड़े लंबे लंबे थे, और बहुत ही ज़्यादा अनकैम्प्ड थे, बहुत ही अनटाइडी वे में थे, बहुत ही बिखरे हुए थे। और ये जो छोटा डॉग था, यानी कि जो ट्रिकी था, वो क्या करता था, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, और टाइगर की तरह वो लड़ाई करता था अपने हिस्से के लिए मील टाइम्स के दौरान। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात में पुराने हैन हाउस में जाकर वो चूहों का शिकार करता था। तो एक बार फिर से देखो, वो बन गया था, ट्रिकी बन गया था एक एक्सेप्टेड मेम्बर उस गैंग का, जिसकी संभावना नहीं थी, क्योंकि जो उसके सिल्की छोटे बाल थे उन शैगी क्रू के बीच, यानी कि जो बड़े बड़े बालों वाले जो डॉग्स थे उनके बीच वो था। फाइट करता था लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसके जीवन में कभी ऐसा समय था ही नहीं, कभी ऐसा टाइम था ही नहीं कि ट्रिकी ने इतना इन्जॉय किया हो जितना वो इन्जॉय करने लगा था। ऑल द वाइल, और इन सब के दौरान, ऑल द वाइल मिस पम्फ्रे होवर एनसियसली इन द बैकग्राउंड, दूसरी तरफ मिस्टर मिसेस जो होवर थी, मिसेस पम्फ्रे थी, वो मंडराती रहती थी बेचैन होकर कि क्या चल रहा है, ट्रिकी कैसा है, हेलो मिस्टर हैरियट क्या बताएंगे, ट्रिकी ठीक हुआ कि नहीं हुआ। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे, एक दिन में दर्जनों बार फ़ोन करती थी फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, लेटेस्ट समाचार के लिए। आई डॉज, डॉज का मतलब होता है चकमा देना, मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसको अवॉइड करके, तो डॉज करना होता है। आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशंस वर बींग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वोन अकॉर्डिंग टू द वेदर, मैं उनके जो क्वेश्चंस होते थे किस बारे में, कि क्या उसका जो कुशन है, जो उसका तकिया है, वो सही तरीके से टर्न किया जा रहा है रेगुलरली, या फिर जो वो करेक्ट कोट उसको पहनना है वेदर के हिसाब से उसने पहना है या नहीं, ये सब मैं क्वेश्चंस को डॉज कर जाता था, मतलब मैं उसको चकमा दे देता था, इधर उधर की बातें कर लेता था। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं उन्हें ये बताने योग्य था दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, लिटिल फेलो मीन्स जो वो बेचारा ट्रिकी था वो अब खतरे के बाहर था। एंड कॉन्वेलेसिंग रैपिडली, कॉन्वेलेस का मतलब होता है बीमारी के बाद ठीक होना, तो बड़ी तेज़ी से रैपिडली मतलब बड़ी तेज़ी से कॉन्वेलेस कर रहा था, यानी कि ठीक हो रहा था। द वर्ड कॉन्वेलेसिंग, जो ये वर्ड था कॉन्वेलेसिंग, सीम्ड, प्रतीत हुआ टू डू समथिंग, कि वो कुछ काम कर गया, किसको,
मिस पम्फ्रे को, यानी कि जो मिस पम्फ्रे थी उनके ऊपर इसका बड़ा असर पड़ा जब मैंने कहा कि अब ये ठीक हो रहा है। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 dozen एट अ टाइम, उन्होंने शुरू कर दिया फ्रेश अंडे ले आना 2 दर्जन एक बार में, टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई, और काफ़ी अच्छे टाइम के लिए मेरे पार्टनर और मैं क्या किए, हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, हमने ब्रेकफास्ट में 2 अंडे लेना शुरू कर दिया। बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब शराब की बोतलें आने लगी, और ये सब किसके लिए किया जाता है, सब ट्रिकी के लिए किया जाता था, ट्रिकी को मजबूत बनाने के लिए। ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस थी मिसेस पम्फ्रे, सी वॉज मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करने वाली थी। जो रियल पॉसिबिलिटीज थी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, तो जब वाइन की बोतल आने लगी ना, तब जो वास्तविक संभावनाएं थी सिचुएशन की वो धीरे धीरे समझ में आने लगी घर वालों को। इट वॉज, ये किस लिए था, टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, वो ट्रिकी के ब्लड को इनरिच करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए था एक तरह से, और ज़्यादा बढ़ाने के लिए था। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, जो लंच था ना वो अब एक फंक्शन बन गया था, एक उत्सव बन गया था, बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन, और वो किसके साथ, मील के दौरान 2 glasses ऑफ वाइन पहले और बहुत सारी मील के दौरान। तो मील से पहले 2 glasses ऑफ वाइन मिलती थी और मील के दौरान बहुत सारी वाइन मिला करती थी, और इस तरह से ये एक फंक्शन के जैसा हो गया था। वी कुड हार्डली बिलीव, हम बड़ी मुश्किल से विश्वास कर पाए, व्हेन द ब्रैंडी केम, जब ब्रैंडी एक और अच्छा वाइन होता होगा, मुझे खुद भी नहीं पता है, तो व्हेन द ब्रैंडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, जब ब्रैंडी आया था पीने के लिए, केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ट्रिकी बिल्कुल सही हो रहा था, अब उसको फाइनल टच देना था, मतलब कुछ ही दिन रह गए थे ट्रिकी को सही होने में। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक तरह से कह सकते हो उसकी बनावट, उसकी संरचना, तो ट्रिकी के संरचना में, बनावट में, यानी कि ट्रिकी को ठीक होने में जो फाइनल एज था, जो फाइनल एक तरह से अब टच था, वो देना रह गया था, और तब ब्रैंडी आ गया वहाँ पे, और हम बड़ी मुश्किल से इस बात का विश्वास कर पाए। फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों के लिए, फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल एंड रेवरेंटली ड्रंक, कुछ रातों के लिए जो फाइन स्पिरिट थी, यानी कि जो शानदार एल्कोहल थी, वो पी गई, रोल की गई, ली गई, इनहेल मतलब उसे सूंघा गया, और रेवरेंटली का मतलब बड़ा सम्मानपूर्वक उसको पिया गया, ड्रंक किया गया। रोल अराउंड का मतलब उसको चलाया गया, चारों तरफ घुमाया गया, सबके पास ले जाया जाता था। दे वर डेज, और ये दिन थे, ऑफ डीप कंटेंट, बड़े ही गहरे संतोष के, मतलब बहुत ही मज़ा आता था उस टाइम पे, जब जिस तरह से ट्रिकी का जो वो फोर्टनाइट वाला टाइम था, जो 2 हफ्ते का टाइम था, और जिस तरह से मिसेज पम्फ्रे ने डजन एक्स भेजना शुरू कर दिया, फिर वाइन की बॉटल्स भेजी, फिर ब्रैंडी भेजना शुरू कर दिया, तब ये बड़े ही संतोष वाले दिन थे। स्टार्टिंग वेल विथ एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, और ये कैसे शुरू होता था, एक्स्ट्रा एग के साथ मॉर्निंग में, फिर इम्प्रूव किया जाता था और बनाए रखा जाता था बाय द मिड डे वाइन, दोपहर की शराब के साथ इस बात को और इम्प्रूव किया जाता था और उसको बनाए रखा जाता था। एंड फिनिशिंग, और ये सब चीज़ें समाप्त होती थी लग्जूरियसली, बड़े ही विलासतापूर्ण तरीके से, राउंड द फायर विद द ब्रैंडी, आग के चारों ओर हम बैठ के ब्रैंडी पिया करते थे। इट वॉज़ ए टेम्पटेशन, और ये एक लालच था, टेम्पटेशन था, प्रलोभन था, टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, कि हम ट्रिकी को क्या कर ले, परमानेंट गेस्ट बना ले। क्या मज़ा आ रहा है, मतलब इसको अगर गेस्ट बना ले तो इसी तरह से मिसेस पम्फ्रे जो है और सारी चीज़ें भेजती रहेंगी और हम इस चीज़ को इन्जॉय करते रहेंगे। बट आई न्यू, लेकिन मुझे पता था मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग, कि मिसेस पम्फ्रे जो है वो सफ़र कर रही होंगी, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, वो परेशान हो रही होंगी। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और फोर्टनाइट के बाद, यानी कि जो वो 2 हफ्ते का टाइम था उस पीरियड के बाद, फेल्ट कंपेल्ड, मैंने बड़ा ही कंपेल फील किया, मतलब बहुत ही मैं फोर्स फील किया, बहुत ही मजबूर हो गया टू फोन, कि मैं उनको फ़ोन कर सकूं एंड टेल हर, और उन्हें बता सकूं डेट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, जो वो लिटिल डॉग है ट्रिकी है वो रिकवर कर चुका है एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और इंतजार कर रहा है कि उसको आकर ले जाया जाए। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट्स में, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, कुछ ही मिनट्स में लगभग 30 feet की जो चमकती हुई ब्लैक मेटल थी, यानी कि जो कार थी,
वो निकल कर आ गई आउटसाइड द सर्जरी, सर्जरी के बाहर। द शॉफर, शॉफर का मतलब होता है वो गाड़ी को चलाने वाला, चालक को आप शॉफर बोलते हो। ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। उसने दरवाजा खोला, जो शॉफर था उसने दरवाजा खोला, और मैं बड़ी मुश्किल से मिस पम्फ्रे को मतलब मेक आउट कर पा रहा था कि वो वहाँ बैठी हुई हैं। लगभग खो चुका था, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, जो कि लगभग खो चुकी थी उस इंटीरियर में, मतलब कार अंदर से इतनी सुंदर थी कि उसमें मिसेस पम्फ्रे जो है वो नजर नहीं आ रही थी एक तरह से। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प, क्लैस्प मतलब अपने हाथों को जकड़े रहना, दोनों हाथों को उंगलियों को फंसा कर जिस तरह आप जकड़ लेते हो, तो उस तरह से कहीं बैठे होते तो आप ऐसे कर लेते हो। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प इन फ्रंट ऑफ हर, उनके सामने ही उन्होंने अपने सामने ही अपने हाथों को जकड़े हुआ था। हर लिप्स ट्रैम्बल, और उनके जो लिप्स थे वो ट्रैम्बल कर रहे थे, कांप रहे थे, और कांपते हुए उन्होंने कहा, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, मुझे सच बता दीजिए, इज ही रियली बेटर, क्या वो वास्तव में सही है, इज ही रियली बेटर, यस ही इज़ फाइन, हाँ बिल्कुल वो सही है, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, और जरूरत ही नहीं है कि आप कार से बाहर आइए, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाऊँगा और उसे लेकर आऊँगा। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर से होकर गार्डन में गया। ए मास ऑफ डॉग्स, और पूरे जो डॉग्स का एक ग्रुप था, झुंड था, वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, वो लॉन में इधर उधर, हर्टल का भी मतलब होता है अनस्टडी वे में इधर उधर भागना, बहुत तेज़ी से भागना, दौड़ना इधर उधर। कार जब चलती है और अगर उसके ब्रेक्स फेल हो जाएँ तो आप कहोगे कि कार जो है हर्टल कर रही है, वो इधर उधर होने लगती है। तो वो जो मास ऑफ डॉग्स था, यानी कि बहुत सारे कुत्तों का जो डॉग्स का झुंड था, वो इधर उधर घूम रहा था, दौड़ रहा था लॉन में। एंड इन देयर मिडस्ट, और उन्हीं सब के बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, कानों को फड़फड़ाते हुए, टेल वेविंग, पूंछ को हिलाते हुए, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, एक सुनहरा सा फिगर था, यानी कि एक सुनहरा सी बनावट थी, संरचना थी ट्रिकी की। इन टू वीक्स दो हफ्तों में ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन टू अ लिद हार्ड मसल एनिमल, उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया था, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था। लिद का मतलब होता है लचीला, बहुत ही सप्पल, बहुत ही थिन बॉडी का हो जाना, और लेकिन मसल्स कैसी हो गई थी उसकी, बहुत ही हार्ड, इस तौर पे उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, पैक मतलब बताया था अभी, ग्रुप ऑफ डॉग्स, पैक के साथ वो काफ़ी अच्छा बनाए हुए था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, स्ट्रेचिंग आउट मतलब एक तरह से जंप लेना लंबी लंबी छलांगों के साथ। हिज चेस्ट, और जो उसका चेस्ट था, ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, वो लगभग जो है ग्राउंड को ब्रश कर रहा था, यानी कि टच कर रहा था एक तरह से। तो इन दो हफ्तों में उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया था एक बहुत ही लचीले और बहुत ही हार्ड मसल एनिमल के तौर पे, और वो जो झुंड था, पैक था, उसके साथ काफ़ी अच्छा बनाया हुए था। जैसे वो झुंड वाले जो डॉग्स थे, जो अभी ग्रे हाउंड आपने पढ़ा था जो था, तो जो ग्रे हाउंड डॉग्स होते हैं वो बहुत ही थिन होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, और बहुत लंबी लंबी छलांग लेते हैं। तो ये भी क्या कर रहा था, स्ट्रेच आउट कर रहा था इन ग्रेट बाउंड्स, मतलब अच्छी मात्रा में, और जो उसका चेस्ट था लगभग ग्राउंड को ब्रश कर रहा था। आई कैरीड हिम बैक, मैं उसको वापस लेकर आया अलॉन्ग द पैसेज, रास्ते से, टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार, और जो शॉफर था वो अभी भी कार के दरवाजे को पकड़े हुए था, जो कि दरवाजा खुला हुआ था, होल्डिंग द कार डोर ओपन, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, यानी कि मिस पम्फ्रे, ये देखिए ये जो सीन है इस समय, तो जब ट्रिकी ने मिस पम्फ्रे को देखा, यानी कि अपने मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ माई आर्म्स फ्रॉम माई आर्म्स, वो मेरे हाथों से निकल गया इन अ ट्रिमेंडस लीप, एक शानदार छलांग के साथ, एंड सेल इन टू मिसेस पम्फ्रेज लैप, और सेल मतलब बड़ी तेज़ी से जाना मिसेस पम्फ्रे के लैप में, गोद में। सी गेव अ स्टार्टल, और उन्होंने देखकर एक आश्चर्य भी दिया उसको, ओह अरे तुम, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, और उसके बाद अपने आप को डिफेंड करना पड़ा, क्योंकि जैसे ही आप देखते हो बहुत टाइम के बाद, एक अगर आपका कोई पेट डॉग है और वो आपको देखता है तो वो आपके आसपास कूदना शुरू कर देगा, आपको लिक करना शुरू कर देगा, भौंकने लगेगा। वही काम ट्रिकी भी कर रहा था उस टाइम पे, एज ही स्वॉर्म ओवर हर, जैसा कि वो पूरी तरह से उनके ऊपर आ चुका था। वैसे स्वॉर्म का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बीज या झुंड, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि एकदम से उनको उनके ऊपर छा जाना। लिकिंग हर फेस, उनके फेस को अपने टंग से मूव करते हुए, एक तरह से टंग अपना जो है उनके फेस पे मूव करना। एंड बार्किंग, और भौंकते हुए। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट,
आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स. और इस एक्साइटमेंट के दौरान मैंने शॉफर की मदद की. जितने देर में मिसेस पम्फ्रे थी और वो जो ट्रिकी थे वो एक दूसरे से मिल रहे थे, उस दौरान मैंने शॉफर की मदद की टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स, बॉल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड. इन सब चीज़ों को मैं लेकर आया, मैंने मदद की शॉफर की, और इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की गई थी. नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड. एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही कार मूव की, मिसेस पम्फ्रे लीन आउट ऑफ द विंडो. मिसेस पम्फ्रे जो है विंडो से वो बाहर आई, खिड़की से बाहर झांकी. टीयर्स शोन इन हर आईज, आंसू जो थे उनकी आंखों में थे, चमक रहे थे. हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके जो लिप्स थे वो ट्रेम्बल कर रहे थे, कांप रहे थे. शोन का मतलब शाइन की सेकेंड फॉर्म है, एक तरह से थर्ड फॉर्म है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म, तो शोन मतलब चमकना होता है. आंसू उनकी आंखों में चमक रहे थे, उनके ओंट जो है वो ट्रेम्बल कर रहे थे. ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो चिल्लाई, अरे मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे आपको कभी भी धन्यवाद दे सकती हूँ. दिस इज अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी, और ये इस जगह की, इस प्लेस की जीत है, इस आपकी जीत है. इस तरह से आप कह सकते हो कि दिस इज अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी. जो इसके राइटर हैं वो जेम्स हैरियट ही हैं, जिन्होंने इस कहानी को पूरी तरह से नरेट किया. आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी. बढ़िया लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट किसी सेशन में फिर किसी चैप्टर के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा. आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.